हेलो फ्रेंड्स, बेसिक कॉन्सेप्ट में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं WBACTCL जूनियर इंजीनियर ग्रेड 2 इलेक्ट्रिकल का क्वेश्चन पेपर लेके। पहले का वीडियो अगर कोई देखे नहीं हो तो देख लीजिएगा, उसमें टेक्निकल मैं डिस्कस कर दिया हूँ। इसमें हम लोग देखेंगे जनरल एप्टीट्यूड, ग्रुप बी में आता है, ठीक है। एक्चुअली एप्टीट्यूड मतलब होता है, मैं पहले ही बताया था, एरिथमेटिक और रीजनिंग टाइप का जो मैथ आता है वो होता है। लेकिन यहाँ पे जनरल एप्टीट्यूड में सारे करंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज दे दिया है, ठीक है, तो उसको लेकर डिस्कस करेंगे। चलिए, तो पहला क्वेश्चन है, देखिए 61 माइकल फैराडे डिस्कवर्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, बेंजीन, लिक्विड गैसेस, ऑप्टिकल ग्लासेस, द इंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ऑल ऑफ दिस। तो माइकल फैराडे हम लोग को पता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और इंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ये डिस्कवर किया था, लेकिन बेंजीन, लिक्विड गैसेस, ऑप्टिकल ग्लास ये भी डिस्कवर किया है माइकल फैराडे। तो उसी हिसाब से आंसर जो होगा होगा डी, ऑल ऑफ अबव। 62 देखिए, फादर ऑफ रेनेसांस ऑफ वेस्टर्न इंडिया वॉज बी एम मलवरी, एम जी रानाडे, आर जी भंडारकर, के टी तेलांग। तो यहाँ पे देखिए, फादर ऑफ रेनेसांस ऑफ वेस्टर्न इंडिया वॉज एम जी रानाडे, महादेव गोविंद रानाडे, ठीक है। 62 का आंसर हो रहा है बी। 63, हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज मदर ऑफ इंडियन रिवोल्यूशन, इंडियन रिवोल्यूशन, मदर ऑफ इंडियन रिवोल्यूशन किसको बोलते हैं? रानी लक्ष्मीबाई ऑफ झांसी, विकाजी रुस्तम कमा, एनी बेसंत, सरोजिनी नायडू। तो यहाँ पे मदर ऑफ इंडियन रिवोल्यूशन विकाजी रुस्तम कमा को बोलते हैं। तो 63 का आंसर बी। द नेशनल साइंस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन व्हिच डेट इन इंडिया? मार्च 1, अप्रैल 21, फरवरी 28, जून 23। तो नेशनल साइंस डे जो होता है वो बेसिकली 28 फरवरी को माना जाता है। तो 64 का आंसर हो रहा है सी। और मार्च 1 में देखिए नेशनल पीक डे आता है, नेशनल पीक डे मार्च 1 में, और अप्रैल 21 में बहुत सारा है, और अप्रैल 21 और एक चीज़ के लिए फेमस है, ये पानीपत का पहला युद्ध स्टार्ट हुआ था अप्रैल 21 में, और अप्रैल 21 को टी डे बोलते हैं, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमी डे बोलते हैं, वर्ल्ड क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन डे बोलते हैं, इतना सारा बोलते हैं। और मेरे पास खास तौर पे और एक डे है, मेरा बर्थडे होता है 21 अप्रैल को, तो इसलिए मेरा इतना याद है। और जून 23 को नेशनल हाइड्रेशन डे होता है, ठीक है, जून 23 को। तो हर डे मतलब हर तारीख को कोई ना कोई डे आता है, तो यह इतना याद रखने का पॉसिबल नहीं है। मेरा नोट्स अगर कोई लिए हो तो उसमें है, देखिएगा इम्पोर्टेंट जो डेट है कैसे याद रखना है और कौन सा याद रखना है सब बता दिया हूँ मैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 65। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज ए ट्रांसमिशन चैनल ऑफ ब्लड टू द हार्ट इन द ह्यूमन बॉडी? तो ट्रांसमिशन चैनल का नाम क्या होता है जो ब्लड से लेके, ब्लड बॉडी से लेके हार्ट तक पहुंचाता है, ठीक है। तो बॉडी से लेके हार्ट तक पहुंचाता है वेंस, ठीक है, हार्ट से लेके बॉडी, और बॉडी से लेके हार्ट, सॉरी बॉडी से, यहाँ पे पूछा है बॉडी से लेके हार्ट तक, तो ये होता है वेन, और हार्ट से लेके बॉडी जो होगा वो होगा आर्टरीज, ठीक है। तो यहाँ का आंसर जो हो रहा है डी, वेन्स। 66 का देखिए, फॉर व्हाट पर्पस द स्टैंड अप इंडिया स्कीम हैज बीन लॉन्च्ड? कौन सा पर्पस के लिए स्टैंड अप इंडिया स्कीम लॉन्च हुआ था? टू प्रमोट एंटरप्रेन्योरशिप अमंग SC/ST, टू प्रमोट एंटरप्रेन्योरशिप among rural youth, to promote entrepreneurship among women, to promote entrepreneurship
अमंग SC ST एंड वुमेन। तो स्टैंड अप इंडिया जो होता है DD 67 देखिए, व्हेन ए मूविंग बस स्टॉप सडनली द पैसेंजर आर पुश्ड फॉरवर्ड बिकॉज ऑफ द, जब कोई बस सडन बंद हो जाता है, ब्रेक लग जाता है, तब पैसेंजर क्या होता है, आगे तरफ बढ़ जाता है, आगे झुक जाता है, ठीक है। इसका कारण क्या होता है, फ्रिक्शन बिटवीन द ग्राउंड एंड द बस, फ्रिक्शन बिटवीन द पैसेंजर ऑफ द ग्राउंड, इनर्शिया ऑफ द पैसेंजर, इनर्शिया ऑफ द बस, एक्चुअली इनर्शिया ऑफ द पैसेंजर। तो पैसेंजर का जो इनर्शिया है वो बस जिस स्पीड में जा रहा है उसी स्पीड में साथ कोलाबोरेशन होकर चलता है। सडन जब बंद हो जाता है बस, सडन ब्रेक लग जाता है, तो पैसेंजर क्या होता है, नीचे का हिस्सा, पैसेंजर का नीचे का हिस्सा बस के साथ तो तुरंत कोलाबोरेशन हो जाता है, लेकिन ऊपर का हिस्सा क्या होता है, तुरंत नहीं हो पाता, तो इनर्शिया की वजह से क्या होता है, सामने से झुक जाता है, ठीक है। तो 67 का जो आंसर हो रहा है वो हो रहा है सी, इनर्शिया ऑफ द पैसेंजर। 68 देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स हैज ओन 2016 ऑस्ट्रेलियन ओपन वुमेन डबल टाइटल, ठीक है। ये भी एक करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, और ये भी 66 का भी था, स्टैंड अप इंडिया लॉ स्कीम, ये भी करंट अफेयर्स था। तो 68 का देखिए, 2016 में ऑस्ट्रेलियन ओपन में वुमेन्स डबल में कौन सा पेयर विन हुआ था, तो उस टाइम विन हुआ था सानिया मिर्जा और मार्टिना हिंगिस, ठीक है, दोनों मिलके विन हुआ था ऑस्ट्रेलियन ओपन। तो 68 का आंसर हो रहा है बी। 69 का देखिए, द मोस्ट कॉमनली यूज्ड ब्लीचिंग एजेंट अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरीन, सोडियम क्लोराइड। तो कॉमनली ब्लीचिंग पाउडर का जो CaOCl होल Cl, ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर का जो फॉर्मूला होता है, तो उसमें क्लोरीन रहता है, ठीक है, तो कॉमनली क्लोरीन यूज होता है ब्लीचिंग एजेंट में। तो आंसर हो रहा है 69 का क्लोरीन सी। 70 का देखिए, व्हिच स्टेट हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट टू अचीव 100% प्राइमरी एजुकेशन स्टेटस। तो हमेशा केरला एजुकेशन पर्पस में हमेशा केरला आगे आगे चला गया है, ठीक है, 100% प्राइमरी एजुकेशन दे रहा है केरला। 71 देखिए, धोलेरा नोन फॉर जियोथर्मल बोर ऑयल इज लोकेटेड इन व्हिच स्टेट। तो धोलेरा एक जगह का नाम है जो फेमस है जियोथर्मल बोर ऑयल के लिए फेमस है, तो वो कौन सा स्टेट में लोकेट है, बिहार, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात। तो धोलेरा जो है देखिए, ये बेसिकली अहमदाबाद में आता है जो कि गुजरात में पड़ता है। तो 671 का आंसर है डी, गुजरात। 72 देखिए, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट एवर लिरिसिस्ट टू एंटर द गिनीस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड। कौन सा लिरिसिस्ट जो है वो गिनीस बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में, फर्स्ट गिनीस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उसका नाम ले लिया है। तो एक गुलजार है, जावेद अख्तर है, आनंद बख्शी है, समीर अंजन है। तो यहाँ पे फर्स्ट जो लिरिसिस्ट था जो गिनीस बुक में नाम उठाया था वो है समीर अंजन। 73 का देखिए, मंडला प्लांट फॉसिल्स नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन व्हिच स्टेट, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात, हरियाणा। तो मंडला प्लांट फॉसिल नेशनल पार्क जो है ये बेसिकली मध्य प्रदेश में है, ठीक है, ये अच्छे से पढ़ लीजिएगा कौन सा पार्क कहाँ पे है, इसका एक क्वेश्चन तो बन ही जाएगा हमेशा। व्हिच अमंग द फॉलोइंग टेम्पल ऑफ इंडिया इज नोन एज ब्लैक पैगोडा। देखिए ब्लैक पैगोडा जो है एक निक नेम है एक टेम्पल का, तो कौन सा टेम्पल का नेम है ब्लैक पैगोडा, ये है सान टेम्पल कोणार्क, कोणार्क में जो सान टेम्पल है, ठीक है, तो उसका नाम है ब्लैक पैगोडा। हु इज हेडिंग द वन मैन जुडिशियल कमीशन टू इन्वेस्टिगेट रोहित भेमुला सुसाइड केस। तो यहाँ पे देखिए, रोहित भेमुला सुसाइड केस उस टाइम में हुआ था 2016 में, एक बिजनेसमैन था रोहित भेमुला, तो उसका वो सुसाइड किया था, ठीक है। तो वो उस केस के इन्वेस्टिगेट करने के लिए कौन सा एक ही आदमी जुडिशियल था, जुडिशियल कमीशन एक ही आदमी था, तो उसका नाम क्या है, तो उसका नाम था देखिए अशोक कुमार रूपनवाल, ये था 75 का आंसर सी। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज ए रेजिस्टेंस अगेंस्ट जर्म इन द बॉडी। तो बॉडी में जर्म के साथ मतलब रेजिस्ट करता है जर्म को, मतलब इम्यूनिटी बढ़ाता है, कौन सा पार्ट,
ये है कार्बोहाइड्रेट, व्हाइट कार्पसल, विटामिन, रेड कार्पसल। तो व्हाइट कार्पसल देखिए, ठीक है, व्हाइट ब्लड कार्पसल जो रोते रहता है, WBC बोलते हैं, तो वो हमेशा क्या करता है, जर्म के साथ फाइट करता है, रेजिस्ट करता है बॉडी में। तो 76 का आंसर है बी, 77 का देखिए, द मेडराम ट्राइबल फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन व्हिच स्टेट ऑफ इंडिया। मेडराम ट्राइबल फेस्टिवल होता है इंडिया में, ठीक है, कौन सा स्टेट में होता है, ठीक है, ये थोड़ा ब्रीफली क्वेश्चन है, मतलब बहुत अंदर का क्वेश्चन है। वेस्ट बंगाल, केरला, तेलंगाना, तमिलनाडु। तो ये बेसिकली जो होता है, तेलंगाना में एक जगह है, ठीक है, वारंगल बोल के डिस्ट्रिक्ट है तेलंगाना का, जैसे वारंगल डिस्ट्रिक्ट, तो उसमें ये फेमस है, मतलब मेडाराम ट्रेवल फेस्टिवल होता है वहाँ पे हर साल, तो ये बहुत फेमस है वहाँ पे, जो वो आता है तेलंगाना स्टेट में। 78 देखिए, ड्यूरिंग द दिल्ली सुल्तानेट, हु अमंग द फॉलोइंग आर कॉल्ड द बैरिट्स। एक टर्म है देखिए यहाँ पे, बैरिट्स, सुल्तान पीरियड के टाइम में जब दिल्ली में सुल्तान लोग थे, तब बैरिट्स किसको बोलते हैं, तो बैरिट तब उसको बोलते हैं स्पाई और न्यूज़पेपर रिपोर्टर जो होता है, गुप्तचर बोलते हैं जिसको, उसको तब बोलता था बैरिट्स बोला जाता था उसको, ठीक है। तो उसका आंसर हो रहा है बैरिट्स, द स्पाई और न्यूज़पेपर, 78 का डी। 79 का देखिए, हु बिल्ट द फेमस कोणार्क सन टेम्पल। देखिए कोणार्क टेम्पल से दो क्वेश्चन आया है, ऊपर ब्लैक पैगोडा भी आया है, ये कौन बनाया था, ठीक है, यहाँ पे अच्छे से ध्यान दीजिएगा, नरसिंह देवा वन, कोणार्क टेम्पल जो बनाया था नरसिंह देवा वन, नॉट नरसिंह बर्मन, तो यहाँ पे कॉन्फ्यूज हो सकते हो, लेकिन यहाँ पे याद रखा नरसिंह देवा वन, ठीक है। 79 का आंसर है ए। 80 देखिए, लिन आर्मस्ट्रॉन्ग ए स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ इंटरनेशनल रेप्यूट बिलोंग टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। जो नील आर्मस्ट्रॉन्ग का नाम सभी ने सुना होगा, जो मून पे पहुंचा था, ठीक है, तो वो कौन सा कंट्री से बिलोंग करता है, वो था यूएसए से, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। 80 का आंसर आ रहा है ए, ठीक है। तो अभी तक तो इतना ही, जनरल एप्टीट्यूड पोर्शन ख़त्म हो गया, तो नेक्स्ट वीडियो हम लोग देखेंगे लैंग्वेज पोर्शन, इंग्लिश और बंगाली, और वो वीडियो बंगला में बनाएंगे, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और अभी तक जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हो, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है, और आप लोग अच्छे रहिएगा, तब तक के लिए चलिए धन्यवाद।